नमस्कार, मैं दिव्य महाती और आज हम हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र भिवाड़ी में खड़े हैं और आज हम बात करने वाले हैं TIT मिल के बारे में, जहां के लोग रोजगार हुए हैं पिछले 4 साल से पिछले कुछ नेताओं के गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण। वो तो आज मैं चाची से पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ नेताओं का आना जाना होता है या नहीं? कोई आना जाना नहीं होता भैया। तो आपके लिए कुछ कौन से नेता ने आपके लिए कुछ किया है या किसी ने कुछ आपके लिए कुछ आज तक कोई नेता कुछ किए नहीं, बस वोट लेने के लिए आ जाते हैं। अब बस वोट के टाइम पर वो नीलम अग्रवाल आई थी तो ये पानी का काम, बस नीलम अग्रवाल आई थी तो पानी का काम करा, पानी का काम कर दी। बाकी सड़क के बारे में कोई बातचीत नहीं और कोई चीज के बारे में, इतनी पानी लगी हुई है, बरसात के कारण पानी लगा हुआ है, देख लो कितनी गंदगी है। अच्छा, ये जब मिल चालू था तब ये सब चीजें कैसी, मतलब यहाँ के हालात कैसे थे? इससे तो ठीक ही थे, मिल चालू हुआ साफ सफाई की व्यवस्था थी तो वो मिल वाले करवाते थे। अच्छा, अब कोई सुनवाई नहीं है। जब से मतलब मिल बंद हुआ तब से यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ कोई आता जाता है कोई नहीं, कोई पूछनिया नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा, क्या जा रहा, कौन आ रहा, कौन जा रहा, और मजदूर मर रहे हैं कि जी रहे हैं, कोई पूछनिया नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ के यहाँ 4 साल पहले यहाँ मिल चल रहा था, उसके बंद होने के बाद यहाँ की हालात दिन पर दिन और खराब होते गए। यहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ सड़कें नहीं है और हर जगह पानी लगा हुआ है, गंदगी इतनी है कि आप यहाँ देख नहीं सकते, गंदगी की इतनी स्थिति खराब है, यहाँ लोग बीमार हुए पड़े हैं, 4 साल से बेरोजगार बैठे हैं। पता नहीं यहाँ की सरकार क्या कर रही है, यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं, यही सवाल हम आप तक पहुँचा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। धन्यवाद आपका।